हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लक्ष्मीज कुकिंग पे। तो आज मैं चीनी का अरसा पीठा बनाऊंगी, जो कि शुगर केक भी कहते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बना के भी हम 15 से 20 डेज तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिल्क में बनाऊंगी। तो यहाँ पे 1/2 लीटर में दूध ले लिया और 1 कप चीनी ले लिया, और यहाँ पे 3.5 कप है मेरा राइस फ्लोर, 3 चम्मच तिल और 2 चम्मच काजू ले लिया। तो फ्राई करने के लिए ऑयल लिया हूँ। तो चलिए अभी पैन को गरम करके तिल को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि तिल को नहीं फ्राई करने से उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता, तो बिल्कुल भी नहीं आता बोलने से वही ठीक है, क्योंकि अभी फ्राई हो गया निकाल देंगे। और देखिए अभी हम दूध को डाल दे रहे हैं। एक बार मैं दूध को बॉयल करके रखी थी, तो उसको मैं फिर से बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि बॉयल करते हुए मुझे दूध को 200 ग्राम करना है। तो तब तक जब तक बॉयल होता है, हम तिल को थोड़ा सा कूट लेते हैं ददरा, और उसको ददरा कूटने से ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए अभी हम दूध को अच्छे से बॉयल करते हुए आधा कर लिया, मतलब आधा नहीं 200 ग्राम कर लिया। अभी मैं उसमें चीनी डाल रही हूँ। तो ये जो पीठा बना रही हूँ उसको आप डायबिटीज़ पेशेंट तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन और बाकी सब कोई खा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। उसमें मैं तिल और काजू को डाल दिया, तो उसमें मिला लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी राइस फ्लोर डाल के मैं दूध के साथ मिला लूँगी, जैसे कि गुठलिया नहीं रहेगा, अच्छे से मिला लेना है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के ही मिला लेंगे। तो देखिए मेरा राइस फ्लोर डालते हुए मैं अच्छे से एक सॉफ्ट डो बना लिया हूँ। तो अभी हम उसको हाथ लगा के देखेंगे तो नहीं चिपकेगा जैसे। तो देखिए नहीं चिपक रहा है। तो अभी हम एक थाली में ऑयल ग्रीस कर ले रहे हैं। तो अभी एक बॉल जैसा बना के थोड़ा प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसमें आप शुगर भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा मीठा थोड़ा कम, फिर क्योंकि मुझे 1 कप तो अच्छा लगा, मुझे परफेक्ट है, तो मैं 1 कप चीनी डाला। तो ऐसे पूरे बना लिया मैं, और उसमें तिल भी थोड़ा डाल दिया ऊपर अच्छा लुक्स आने के लिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा, मतलब बहुत अच्छा खाने के टाइम फ्लेवर भी आएगा इसलिए। तो देखिए मैं फ्राई करने के लिए डाल दिया हूँ दो को। तो अभी मैं पलट दे रही हूँ थोड़ा मीडियम फ्लेम में, इसको भी करना मीडियम टू हाई फ्लेम में। देखिए एक दो तो हो गया है, मैं निकाल दिया, तो इसमें मैं डाल रही हूँ देखिए, और बाकी का भी वैसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत अच्छा है, और कोई भी फेस्टिवल में कर सकते हैं, वैसे ऐसे भी दिन में करके आप खा सकते हैं, और ये 15 से 20 डेज या 1 मंथ तक आप रख सकते हैं डब्बे में। और मैं इसको फ्राई करने के बाद एक छानी में रखी, तो थोड़ा ज़्यादा जो ऑयल होता है वो निकल जाएगा। तो ये रेसिपी मेरा रेडी हो गया है। आप भी ऐसे रेसिपी एक बार बनाओ और टेस्ट करो ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएंगे। तो मेरा ये रेसिपी आज का यहीं तक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय।